हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया और इसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या क्या इफेक्ट हुआ एट द वेरियस प्लेसेस ठीक है टाउन में अलग इलग, इफेक्ट था कंट्री साइड में अलग अलग इफेक्ट था अब कंट्री साइड में भी हमने दो जगहों की स्टोरी पढ़नी है एक अवध की विच वी ऑलरेडी स्टडी इन द लास्ट लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे कि गुडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश में किस तरह से ट्राइबल रिबोल्ट हुआ और कैसे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया क्या परेशानियां थी उनकी हु वॉज द लीडर ओके तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिबोल्ट इन द कंट्री साइड कहां काम इन गुडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश ठीक है आंध्र प्रदेश की गुडम हिल में किस तरीके से ट्राइबल रिवोल्ट दिस इज द ट्राइबल रिवोल्ट है ना यहां पर ट्राइबल रिवोल्ट हुआ ट्राइबल समझते हो आप कौन होते हैं दोज आर लिविंग इन द फॉरेस्ट ठीक है अब ये ट्राइबल जो है ये ट्राइबल पीसेंट्स हैं रह तो रहे हैं फॉरेस्ट में लेकिन यहां पर जैसा हमने पहले देखा था जूम कल्टीवेशन डू यू रिमेंबर जूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इस तरीके से ये काम करते हैं ठीक है और इनकी जो स्पेशलिटी है इन ट्राइबल पीसेंट्स की दैट इज द गुरिल्ला वॉरफेयर ठीक है अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है ये वॉर का एक तरीका होता है ओके ताना जी मूवी देखी है अजय देवगन की बहुत फेमस मूवी है तानाजी है ना अजय देवगन की एंट्री होती है हिल के ऊपर से से अचानक से, और बहुत सारे तीर कमान चलना शुरू हो जाते हैं है ना जो ऑपोजिट पार्टी है वो जब तक रियलाइज करे कि क्या हो रहा है बहुत सारे लोग उसमें मारे जा चुके होते हैं यानी ये छुप करके वॉर करने का एक तरीका है जिसमें अचानक से दुश्मन के ऊपर हमला हो जाता है ये तक दुश्मन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि हमला हो कहां से रहा है जब तक उसे पता चलता है तब तक वो डिफीट हो चुका होता है ना? या फिर जो गुरिल्ला वॉरफेयर जिसने शुरू की है उसके अंडर में आ चुका होता है वो कंट्रोल कर चुके होते हैं उसको ठीक है तो इनकी स्पेशलिटी थी क्योंकि ये हिल्स में रहते थे ना वो उसमें भी अजय देवगन हिल में से अटैक करते हैं देखा था ना तो ये भी हिल में ही रहते हैं गुडेन हिल है ओके okay, तो हिल में रहते हैं तो इनकी ये स्पेशलिटी है मिलिटेंट गुरिल्ला ठीक है मिलिटेंट गुरिल्ला है तो गुरिल्ला तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं वॉर करने के अंदर तो इनको पकड़ना या कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था फॉर द ब्रिटिश पीपल ओके तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं अबाउट द ट्राइबल पीपल ठीक है कौन से ट्राइबल पीपल हैं दीज आर द tribal peasants of godem hill of andhra pradesh was मिलिटेंट गोरिल्ला वॉरफेयर ठीक है गोरिल्ला वॉरफेयर के मिलिटेंट थे इसमें एक्सपर्ट थे ठीक है तो जब ये वॉर हुई विद द ब्रिटिशर्स इन 1920 तो इसके अंदर इन्होंने ये ही तरीका अपनाया ओके जिसमें क्या हुआ ब्रिटिशर्स इनको कंट्रोल तो नहीं कर पाए बट ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे है ना मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे जिसकी वजह था और ये जो थे इनके पास तो पुराने आर्म्स एम्यूनेशन थे तीर कमान वगैरह वगैरह है ना तो ये लोग उनको इतनी इजीली ब्रिटिशर्स हार नहीं मान सकते थे और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर क्या कर दिया वहाँ पर भी इनक्लोजर कर दिया हमने लास्ट ईयर फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था याद है उसमें फॉरेस्ट लॉ लगा दिया था रिजर्व फॉरेस्ट है विलेज फॉरेस्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था है ना? तो जो ट्राइबल पीपल है आपको मैंने बताया ट्राइबल पीपल कौन है लिविंग इन द फॉरेस्ट तो ये भी फॉरेस्ट में रह रहे थे और गवर्नमेंट ने इनके फॉरेस्ट वाले एरिया को भी क्या डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया यानी कि अब जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं वो फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकते दे कैन नॉट ग्रेज देयर एनिमल्स दे कैन नॉट टेक फायर वुड्स इवन दे कैन नॉट कलेक्ट द फ्रूट्स फॉर देयर फैमिली तो वो जो लैंड थी जो वो जो फॉरेस्ट था फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया इनक्लोज कर दिया गया फॉरेस्ट लैंड को उनसे ले लिया गया ठीक है गवर्नमेंट ने क्या किया द गवर्नमेंट हैड The forest land for local tribal people, they could not graze their animals. ठीक है एनिमल्स या कैटल्स कुड नॉट कलेक्ट फायरबोर्ड एंड इवन फ्रूट्स ठीक है कुछ भी नहीं ले सकते थे अब वो फॉरेस्ट में ठीक है फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड करने के बाद क्या कर दिया था गवर्नमेंट ने इन्हें अब फॉरेस्ट छोड़ करके जाना पड़ेगा फॉरेस्ट के बाहर रहना पड़ेगा फॉरेस्ट में नहीं रह सकते और फॉरेस्ट में अगर एनिमल ग्रेस कराने हैं फायरवुड लेनी है या फ्रूट्स लेनी है तो उसके बदले में दे हैव टू पे टैक्सेस, ठीक है परमिट कार्ड बनेगा उस परमिट कार्ड के हिसाब से वो एंटर हो सकते हैं ओके तो यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट कर दी जो कि फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल पीपल के लिए बहुत ज्यादा ही परेशानी वाला कारण हो गया क्योंकि उनकी पूरी लाइवलीहुड एक तरीके से इस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अब अगर इनको फॉरेस्ट में रहना है तो क्या करना पड़ेगा दे हैव टू डू बेगार बेगार वर्क विदाउट वेजेस है ना हैव टू डू बेगार जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय फॉरेस्ट में अपने कन्वीनियंट के लिए रोड्स वगैरह बना रही थी जिससे फॉरेस्ट के अंदर इजीली एंटर हुआ जा सके उनकी गाड़ियां जा सकें आराम से वो लकड़ी के जो बड़े बड़े लोग उसको कैरी करके बाहर ला के बेच सकें या अपने कंट्री भेज सकें जो भी उन्हें करना था ठीक है तो ये ऑलरेडी गुस्से में थे ऐसे में ब्रिटिशर्स ने इन्हें ऑफर कर दिया बेगार कि भाई अब आप लोग या तो बाहर चले जाओ फॉरेस्ट छोड़ के अगर इफ यू आर अनेबल टू तो गो आउटसाइड फ्रॉम द फॉरेस्ट देन यू हैव टू डू द बेगार ट्राइबल पीपल उतना ही काम करते थे जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा काम नहीं करते थे है ना क्योंकि फॉरेस्ट में सब चीज़ें मिल रही हैं फायरवुड मिल रहा है फ्रूट्स मिल रहे हैं उनके एनिमल्स इजीली ग्रेस कर रहे हैं तो वो अपने खाने के लिए ग्रेन वगैरह ग्रो करने जितनी एग्रीकल्चर कर रहे थे बाकी उनकी लाइवलीहुड बहुत ही इजी गोइंग चल रही थी सारी चीज़ें उन्हें फॉरेस्ट से ही मिल जाती थी बहुत ही नेसेसरी चीजें अगर उन्हें परचेस करनी है तो भी वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को विलेजेस में बेच करके पैसा कमाते थे और उस पैसे से अपनी नेसेसरी चीजें परचेस कर लेते हैं एस सच वेल्थ इकट्ठा करके रखना फ्यूचर के बारे में सोचना ये सब ये नहीं करते थे तो यहां पर गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स किया पाई के लिए बेकार के लिए वैन द गवर्नमेंट फोर्सिंग द ट्राइबल पीपल फॉर किसके लिए फोर्स किया फॉर द बेगार है ना किसमें उनके लिए जो रोड बना रहे थे वो लोग वहां पर फॉर द रोड बिल्डिंग ठीक है उन्होंने फोर्स किया कि अगर फॉरेस्ट में रहना है तो डू यू हैव टू डू द बेगार इन द रोल्ड बिल्डिंग ठीक है रोड बनाने में आपको अपना बेकार देना होगा यहां पर फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल पीपल बेकार करेंगे नहीं तो क्या कर दिया फिर इन्होंने द हिल पीपल स्टार्टेड रिवोल्ट ठीक है रिवोल्ट शुरू कर दिया उन्होंने उनके अगेंस्ट में कि भाई हम ये सब तो नहीं कर सकते हमें हमारा फॉरेस्ट वापस दो जहां हम रह सकें हम बेगार नहीं करेंगे फॉर यू है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए यहाँ गवर्नमेंट से मतलब कौन सी गवर्नमेंट थी उस समय मुनाक तो था नहीं है ना इंडियन गवर्नमेंट बनी नहीं थी तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो यहाँ गवर्नमेंट वर्ड जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर आप समझ लेना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें फोर्स कर रही थी अब यहां पर उनके एक लीडर सामने आते हैं दैट इज अलूरी सीताराम राजू ठीक है आंध्र प्रदेश के ही एक व्यक्ति हैं अलूरी सीताराम राजू उनकी कम्युनिटी में से वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं कैसी स्पेशल पावर्स कि भाई वो किसी भी व्यक्ति को अगर छू लें तो उसका घाव है बीमारी है वो सब ठीक हो जाएगा इवन वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है यहां तक कि अगर उन्हें गोली भी लग जाए पुलिस की बुलेट वगैरह उन्हें लग जाए तो भी वो सरवाइव कर सकते हैं यानी कोई गोली वोली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती यानी पुलिस उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना ऐसा वो क्लेम करते थे अलूरी सीताराम राजू ही वॉज द लीडर ऑफ दिस ट्राइबल पीपल और लोग उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी थे एक दो चीज़ें उनकी एज सच जो भी उन्होंने डिक्लेयर किया होगा या जो भी प्रिडिक्ट की थी वो प्रिडिक्शन सही हो गए तो नाउ पीपल हिम और लोग उनको भगवान का इनकारनेशन मानते थे ही वॉज नोन एज अ इनकारनेशन ऑफ गॉड ठीक है भगवान के भेजे हुए दूत हैं या भगवान के ही एक रूप हैं जो उनकी कम्युनिटी में आ गए हैं इस तरीके से लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे अलूरी सीताराम राजू को भी महात्मा गांधी जी की बातें समझ में आती थी ठीक है उन्हें लगता था कि महात्मा गांधी जी जो कह रहे हैं दैट इज करेक्ट लेकिन अब वही बात है कि हर चीज को अपने तरीके से इंटरप्रेट लोग कर रहे थे भाई वो गांधी जी से मिले तो नहीं जो चीजें जहां से आ रही थी वो चीजें उन्हें पता थी तो यहां पे अलूरी सीताराम राजू जी का इस रिवोल्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल हम देखेंगे आप ये लिख लीजिए फिर हम लिखते हैं कि उन्होंने क्या किया और फिर फाइनली उनके साथ क्या हुआ ओके ठीक है इसको रब कर रही हूं तो अलूरी सीताराम राजू ही लेट द रिवोल्ट इन द आंध्र प्रदेश ठीक है ये एक पर्टिकुलर एरिया है गुडम हिल चारों तरफ हिल से घिरा हुआ एरिया है और पूरे में फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के अंदर ही ये ट्राइबल पीपल रह रहे थे है ना तो यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू जो है क्या नाम है इसको नाम आप लिख लिख लीजिए अलूरी सीताराम राजू ठीक है अलूरी सीताराम राजू ये इनका पूरा नाम है ठीक है इनको राजू के नाम से भी जाना जाता है और आंध्र प्रदेश में अभी ये फिलहाल एक फोक हीरो की तरह फेमस है है ना इनके ऊपर कई सारे फोक सॉन्ग्स और फोक पोएम्स वगैरह लिखी हुई हैं तो ही वो फेमस एज अ फोक हीरो ओके तो अलूरी सीताराम राजू जी जो है जैसा मैंने आपको बताया क्या डिक्लेयर कर दिया उन्होंने अपने आप को कि ही हैज स्पेशल पावर ठीक है ऐसा ये क्लेम करते थे अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड सम स्पेशल पावर्स सब कौन कौन सी पावर्स हैं मैंने आपको बताई दी है ना प्रिडिक्शन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं लोग हील हो जाते हैं हील मतलब उनके घाव वगैरह भर जाते हैं बीमारियां ठीक हो जाती हैं ठीक है इवन किसी भी तरह के आम जेम्यूनेशन इन्हें नुकसान नहीं कर पाते और ही इज नोन एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड भगवान के अवतार की तरह इनको लोग मानते थे यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू जो हैं ये भी महात्मा गांधी जी की बातों से इंस्पायर्ड थे ठीक है अकॉर्डिंग टू गांधी जी भाई लोगों को लिक्विड नहीं पीना चाहिए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की शराब छुड़वाई उन्होंने कहा भाई जो मेरे को मानते हैं लिक्विड से दूर रहेंगे तो लोगों ने ऐसा माना खादी को सपोर्ट किया उन्होंने कि भाई खादी बोला है गांधी जी ने सब अपने अपने खादी पहनना शुरू करेंगे कोई भी फॉरेन गुड्स नहीं खरीदेगा क्योंकि उनके भाई भगवान है ये तो, तो लोगों ने इनकी बात को बहुत अच्छे से मानना शुरू कर दिया और इनकी अकॉर्डिंगली महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी चीजों चीजें जो है लोगों से करवाई बट गांधी जी की एक बात से वो एग्री नहीं करते थे वो था नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना और इनके अकॉर्डिंगली अगर कंट्री में स्वराज लाना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्हें फ्रीडम चाहिए तो बिना फाइट के फ्रीडम नहीं आ सकती है तो यहां पर नॉन वॉयलेंस में इनके व्यूज क्या हो गए अलग अलग हो गए महात्मा गांधी एंड अलूरी सीताराम राजू के दोनों के व्यूज बिल्कुल अलग हो गए राजू चाहते थे वॉर के थ्रू इंडिपेंडेंट आया लिया जा सकता है फ्रीडम का मतलब वॉर बिना वॉर के फ्रीडम नहीं हो सकती और जो लोग इनको मानते थे उन्हें गांधी जी से मतलब नहीं था वो इन्हें भगवान मानते थे अलूरी सीताराम राजू को तो वो उनके हिसाब से चलते थे एंड इन मिलिटेंट तो वो उस वॉर के थ्रू अपना जो फॉरेस्ट एरिया है वो ब्रिटिशर से बचाना चाहते थे ठीक है लिख लेते हैं गांधी जी के जो राजू जी थे जो गांधी जी से इंस्पायर्ड थे ठीक है राजू वॉज है ना पूरा नाम नहीं लिख रही हूं मैं केवल राजू लिख रही हूं आप चाहो तो पूरा नाम लिख लो ठीक है राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी ठीक है बट है ना इंस्पायर्ड है महात्मा गांधी से लेकिन बट आ गया बट किसके लिए आया है फॉर द वॉर ठीक है एट द सेम टाइम ही असर्टेड ठीक है किस पर उन्होंने जोर दिया उसी समय जैसे कि वो बाकी चीजें मान रहे थे लिक्विड नहीं होना चाहिए है ना खादी पहनो सच बोलो लोगों की हेल्प करो थिंग्स टेल बाय द गांधी जी वो सब चीजें यहां पर मान रहे थे लेकिन उसी समय वो किस पर ध्यान दे रहे थे दैट ही असर्टेड दैट इंडिया कुडंट गेन इंडिपेंडेंट विदाउट फोर्स है ना गांधी जी फोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ये फोर्स के बिना इन्हें लग रहा था कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगा यहाँ पर आकर के राजू और गांधी जी दोनों के विचार अलग अलग हो गए ठीक है इनके कहने पर लोगों ने जो गांधी जी से ये इंस्पायर थे जिन बातों से वो बातें लोगों ने माननी शुरू कर दी बट अब यहाँ पर क्योंकि ये फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो लोगों ने भी फोर्स को सपोर्ट किया और यहाँ पर गुडेन हिल में लोगों ने रिवोल्ट किया ठीक है पुलिस स्टेशन पर अटैक करना ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना ये सब चीजें करनी शुरू कर दी ठीक है द गुड हिल पीपल वर अटैक्ट द पुलिस स्टेशन ठीक है पुलिस स्टेशन पर अटैक कर रहे हैं एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स ठीक है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से क्या है बिना फोर्स के इंडिपेंडेंट नहीं लिया जा सकता इंडिपेंडेंट लेना है इंडिया को लिबरेट करवाना है तो यू हैव टू यूज द फोर्स इफ़ यू कैन नॉट यूज द फोर्स यू कैन नॉट गेन द इंडिपेंडेंस तो यहां पर इसके लिए इन्होंने लोगों पुलिस स्टेशन पर क्योंकि सबसे पहले क्या आते हैं कि तो गुडम हिल पर कंट्रोल करने के लिए यहां पर रोड्स बनाने के लिए या दूसरे काम करवाने के लिए पुलिस ही सबसे पहले आगे आती है तो पुलिस स्टेशन पर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन्हें लगता था कि इन्हें कंट्रोल करेंगे या यहाँ पर ऑपरेसिव बिहेवियर करना चाहते हैं तो उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया यहाँ पर क्योंकि ये गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू अटैक कर रहे थे तो थोड़ा ब्रिटिशर्स को मुश्किल हुई इन्हें कंट्रोल करने पर बट अल्टीमेटली दे कंट्रोल दैम और फाइनली जो इनके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू उन्होंने उन्हें भी उन्होंने पकड़ लिया और फाइनली 1924 को उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया ओके तो यहाँ पर इस तरीके से इनका जो आ, वो था रिवोल्ट वो जो है वो फेल हो गया ठीक है क्या हो गया यहां पे राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन नाइनटीन ट्वेंटी 4 ठीक है 1924 में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया या उन्हें मार दिया गया ठीक है तो इस तरीके से ये रिवोल्ट जो है खत्म हुआ राजू जो है उनके फोक हीरो बन गए है ना काफी लंबे समय तक इन्होंने फाइट किया विद द ब्रिटिशर्स लेकिन फाइनली इनका रिवोल्ट जो है वो फेल हो गया यहाँ पर इनको भी गांधी जी के नाम से बहुत बातें बोली गई कि भाई गांधी जी ने ऐसा कहा है वैसा कहा है ये करो वो करो बट इनका जो विश्वास था राजू पर ठीक है इनके जो हीरो थे राजू उसके ऊपर जो इनका विश्वास था तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया फॉरेस्ट लैंड को जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे या उसको प्रोटेक्टिव और रिजर्व एरिया में डाल रहे थे इसकी वजह से ये रिवोल्ट बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ ओके okay? तो यहां पर ये रिवोल्ट राजू के कैप्टिविटी में आने के बाद खत्म हो गया ठीक है अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो प्लांटेशन वर्कर्स के साथ हुआ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम पढ़ते हैं व्हाट हैपन्ड विद द प्लांटेशन वर्कर्स ओके ठीक है प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ठीक है प्लांटेशन में क्या हो रहा था उन्हें कंफाइंड करके रखा था वहां पर एक एक्ट बना इमिग्रेशन एक्ट जिसके हिसाब से प्लांटेशन में एक बार आने के बाद कोई भी व्यक्ति प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकता विदाउट परमिशन तो अब यहाँ पर जब सब जगह स्वराज की बात हो रही है तो प्लांटेशन में कैसे नहीं पहुंचेगी है ना मोक पब्लिसिटी सबसे फास्ट होती है तो ये बात प्लांटेशन में भी पहुंच गई तो यहां पर प्लांटेशन वर्कर्स प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनके लिए स्वराज क्या था ठीक है स्वराज इन प्लांटेशन सॉरी स्वराज इन प्लांटेशन ठीक है प्लांटेशन में जब स्वराज पहुंचा तो उसका क्या मतलब था ठीक है यहां पर प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था मूवमेंट ठीक है फ्रीली मूवमेंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उनके घर उनके गांव जाने की उन्हें फ्रीडम हो क्योंकि एक बार जब उन्हें प्लांटेशन में ले आया गया उसके बाद वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली विदाउट परमिशन उस प्लांटेशन एरिया के अंदर ही उन्हें कन्फाइंड कर दिया गया उनके पास इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो बाहर घूम सकें तो यहां पर प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का क्या मतलब है फॉर प्लांटेशन वर्कर्स फ्रीडम इंट ठीक है फ्रीडम का मतलब उनके लिए क्या है यहां पर राइट टू मूव फ्रीली क्योंकि उन्हें वहां से बाहर जाने का ही राइट right नहीं था तो यहां तो उन्हें मूवमेंट का राइट right ही सबसे बड़ा राइट right लग रहा था कि उन्हें फ्रीली मूव करने दिया जाए कहा इन एंड आउट इन एंड आउट ऑफ प्लांटेशन जब चाहे वो प्लांटेशन में आ सके जब चाहे जा सके इवन दे वांटेड टू मूव टू देयर विलेजेस ठीक है एंड मूव टू देयर विलेजेस ठीक है लेकिन जैसे ही इन्हें प्लांटेशन में लाया जाता था वैसे ही इन पर एक इमिग्रेशन एक्ट लगा दिया जाता था अकॉर्डिंग टू दैट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ये लोग प्लांटेशन में आने के बाद बाहर नहीं जा सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ द किसकी परमिशन चाहिए जो प्लांटेशन ओनर है या जो वहां के ऑफिशियल्स हैं उनकी परमिशन के बिना वो बाहर नहीं जा सकते थे कौन सा एक्ट था दैट वॉज अंडर अंडर द इनलैंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ठीक है ये एक्ट जो था ये आने के साथ ही इनसे फिल करवा लिया जाता था जो कब बना था दैट वॉज मेड इन 1859 ठीक है इसमें क्या होता था प्लांटेशन वर्कर्स were not permitted to move freely okay were not permitted to move freely from the plantation ठीक है प्लांटेशन के अंदर बाहर जाना या कहीं पर भी ये जाना उन्हें अलाउ नहीं था फ्रॉम द प्लांटेशन विदाउट परमिशन ठीक है बिना परमिशन के वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे अगर वो ऐसा करते तो उन्हें बहुत ब्रुचुअली मारा पीटा जाता था ठीक है उनके साथ बहुत बुरा बिहेव होता था तो इसलिए वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी जी का ऑर्डर आए कि भाई एवरी वन कैन मूव और स्वराज आएगा तो यहां पर इनके लिए भी क्या हो गया ये चीज कि भाई स्वराज जो है वो इनके लिए एक राइट टू मूवमेंट हो गया कि उन्हें मूवमेंट करने का राइट right मिलेगा और राइट टू मूवमेंट में इन्होंने यहां से बाहर जाना अपना राइट समझ लिया कि भाई अब हम यहां से बाहर जा सकते हैं क्योंकि स्वराज आ रहा है है ना स्वराज के का मतलब इनके लिए ये जो एक्ट था इनका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इसके अगेंस्ट जाया जा सकता था ठीक है इन्हें नोट कर लीजिए फिर देखते हैं थोड़े से एक दो पॉइंट और हैं इसके ठीक है तो यहां पर इनके लिए ये जो एक्ट है इसका एक्ट का मतलब क्या था मूवमेंट फ्री मूवमेंट कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो जब उन्होंने ये स्वराज के बारे में सुना देन सो मैनी वर्कर्स वो क्या हुए वहां से भाग निकले ठीक है क्या हुआ वेन दे हर्ड कौन दे मीन्स दैट प्लांटेशन वर्कर्स ठीक है वेन दे हर्ट अबाउट एन सी एम एन सी एम मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है तो यहां पर जब उन्होंने सुना अबाउट द एन सी एम कि भाई एनसीएम आ रहा है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ रहा है विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज ठीक है तब उन्होंने क्या कर लिया वेन दे हर्ट अबाउट द एन सी एम देन देवर मूव आउटसाइड ऑफ प्लांटेशन या वी कैन सेन लेफ्ट ठीक है देवर लेफ्ट ठीक है यहां पर देखा मतलब क्या है देवर लेफ्ट द प्लांटेशन ठीक है देवर लेफ्ट प्लांटेशन टू मूव टू देअ हो ठीक है अपने घर जाने के लिए क्योंकि घर से आए उन्हें जमाना हो गया था और उन्हें परमिशन ही नहीं थी अपने घर जाने की तो उन्होंने घर जाने के लिए प्लांटेशन के सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़ दिए ब्रिटिशर्स को मारपीटा ऑफिशल्स को और प्लांटेशन से भाग निकले अपने घर जाने के लिए बट एनसीएम या हम कह सकते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खाली प्लांटेशन वर्कर्स के लिए तो था नहीं है ना ट्रेन शिप इन लोगों के लिए भी था तो जितनी भी ट्रेन थी ट्रांसपोर्टेशन था यहाँ के वर्कर्स भी एनसीएम के थ्रू काम छोड़ करके बैठे हुए थे तो ये भागे तो बहुत इंथुजियास्टिकली अपने घर जाएंगे और ये वो लेकिन बिकॉज ऑफ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो कुछ ही दूरी पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन्हें पकड़ लिया देवर ब्रूचली बीटन और वही एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें कंफाइंड कर दिया गया वापस से प्लांटेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू देम प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था मूवमेंट फ्रीली जो कि उनका वापस से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ठीक है और यहां पर इन्हीं प्लांटेशन वर्कर्स को यह विश्वास था कि अब गांधी राज आएगा और गांधी राज में मूवमेंट करने का फ्रीडम मिलेगा एज वेल एज दे विल गेट द लैंड इन देयर ओन विलेज क्या इनका बिलीव था दे बिलीव दे बिलीव दैट गांधी जी प्रोवाइड दैम द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड लैंड वुड बी गिवन टू देयर ओन विलेज ठीक है उनके अपने विलेज में उन्हें लैंड मिल जाएगी और बहुत सारे पीपल दे चैंटेड गांधी जी गांधी जी का नाम रटते रहते थे और स्वतंत्र भारत के नारे लगाते रहते थे है ना गांधी जी एंड स्लोगन ठीक है कौन सा स्लोगन था यहां पर स्वतंत्र भारत ठीक है गांधी जी के नाम से बहुत सारी चीजें डिक्लेयर कर दी गई थी कि गांधी जी का अब रूल आने वाला है और हमें क्या कुछ नहीं मिल जाएगा सारी फ्रीडम मिलेगी सारे राइट्स मिलेंगे अपने ख़ुद के विलेज में लैंड मिलेगी है ना कोई टैक्स नहीं होगा लाइफ जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी ऐसा गांधी जी की तरफ से ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं था कि भाई गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा कहीं पर भी उन्होंने नहीं कहा बट अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकल लीडर्स ने ये चीजें अनाउंस की थी ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी ठीक है तो यहाँ पर लोग गांधी जी की रट लगाए हुए थे कि भाई गांधी जी रूल आ जाना चाहिए भारत स्वतंत्र हो जाना चाहिए ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा दो और फिर हमारी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी ठीक है तो यहां पर ये जो रिवोल्ट हुआ या हम कह सकते हैं जो एनसीएम हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला यहां पर हर व्यक्ति या हर कम्युनिटी ने इसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल लिया ठीक है ऐसा प्लांटेशन वर्कर्स भाग निकले ऐसा तो कहीं गांधी जी ने नहीं कहा था कि आपको रूल तोड़ना है तो आपको भाग निकलना है मार पिटाई करके है ना जो गुडम हिल के ट्राइबल्स थे उन्होंने भी पुलिस ऑफिसर्स को मारा है ना पुलिस स्टेशन पर अटैक किया ये भी कहीं गांधी जी ने नहीं कहा था एज सच अवध के जो पीसेंट्स थे उन्होंने भी बाजार लूट लिए बहुत सारे मर्चेंट ताल्लुकादार के हाउसेस पर अटैक कर दिया दैट वॉज ऑल्सो नॉट फ्रॉम द गांधी जी साइड कि आप नॉन वायलेंट हो जाओ और इस तरह के अटैक करो तो यहाँ पर हर चीजें लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट की ठीक है तो ये था अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब अगला जो मूवमेंट है वो पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके टिल देन टेक केयर बाय